हेलो, वेलकम टू बैक। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज, आपके सामने ये रखी हुई मशीन, आपको पता चल गया होगा मैं किस चीज़ का आज वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जैसा कि दोस्तों, मैं फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आ गया हूँ और आपके लिए रोज़ाना ऐसे ही मज़ेदार और धमाकेदार वीडियो लाता रहूँगा। कुछ दिनों का काम हो गया था तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में वीडियो आ नहीं पाया। तो दोस्तों, अब आज से रोज़ाना आपके लिए ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, आपको पता चल गया होगा कि सामने ये रखी हुई मशीन, आपको ये फ्रेशर की है, बाइक धोने की या कार वॉशिंग की ये मशीन है। जो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में ये मशीन दिखाई थी, वो छोटे वाले मशीन थी। तो आपको मैं फिर से आपको दिखा दूँ, ये हमारे पास छोटी वाली मशीन है। तो हमने एक न्यू मशीन भी खरीदी है। तो दोस्तों, ये हमारी पहले वाली मशीन है। तो दोस्तों, इसमें कुछ खराबी तकनीकी के आने के कारण हमने एक न्यू मशीन भी खरीदी है। जैसा ये पूरी भी खराब नहीं हुई है, ऐसे में हमको कुछ रिपेयर कराना पड़ेगा। तो इसे हम रिपेयर खुद ही करेंगे और आपको अगले वीडियो में रिपेयर का भी वीडियो बता देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, हमने ये पुरानी सेकेंड हैंड किसी साथी से ये मशीन ली हुई है, जो हमारे मात्र बहुत ही कम बजट में हमको मिल गई। तो दोस्तों, हम तो जुगाड़ करते हैं, वैसा कि जुगाड़ किससे हमने ये मशीन ले ली है कम पैसों में, और बजट में हमारे बजट के अंदर ये मशीन आ गई। तो गाइज, इसके अंदर एक खास चीज़ ऐसी है, तो आपको इस वीडियो में मैं एंड में बताने वाला हूँ। और फर्स्ट में आपको वीडियो शुरू करने से पहले, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे, और बेल आइकन का बटन दबाना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, बहुत टाइम से हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पे आया है, तो दोस्तों आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, आपके प्यार की ज़रूरत है, और आपकी YouTube फैमिली की तो हमें बहुत ज़रूरत रहती है, और आपके प्यार होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइज, इस खास मशीन के अंदर एक मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो दोस्तों मैंने सोचा कि मेरे YouTube फैमिली को भी बता दूं। तो दोस्तों, इस मशीन के अंदर ये लोहे का स्टैंड है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, इसका ऐसा कारण है, ये जब स्टैंड लगा रहेगा, ये लोहे का स्टैंड है। तो दोस्तों, हम लकड़ी का स्टैंड बनवाते हैं, तो ये नटों के अंदर इसे फ्रेशर आता है, तो हम इस मोटर को चालू करते हैं तो ये कंपन करने लगती है। तो कंपन के कारण हमारे नट बोल्ट लूज होते रहते हैं और लकड़ी के अंदर कुछ जगह छोड़ देती है, तो हमारी मशीन बार बार ये फेलमेंट तोड़ती है। तो इससे हमारा भी नुकसान होगा और इस मशीन में अच्छा फ्रेशर भी नहीं बनेगा। फ्रेशर नहीं बनेगा तो बाइक अच्छे से वॉश भी नहीं होगी। और ये पहले की तरह ये मशीन भी दोनों सेम है। इस चीज़ के अंदर ही हमें खास ऐसी लगी कि ये स्टैंड रहेगा। तो दोस्तों, हमने ऐसा सोचा, तो दोस्तों हमारी YouTube फैमिली को भी ये बता दे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जब ये न्यू आप मशीन खरीदो तो आपको ऐसा करना है, ये मशीन खरीद लो और ये आपको अलग से मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह करना, आप किसी मिस्त्री के पास जाना जो लोहे का काम करता हो या वेल्डिंग का काम करता हो, तो उससे कहना है कि भाई हमारे ऐसा स्टैंड बना दे। तो स्टैंड से आपको अच्छी और बाइक धोने के लिए अच्छा फ्रेशर भी आएगा, और आपकी कभी फेलमेंट भी नहीं टूटेगा मशीन का, और कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इसमें पहले की मशीन में, हमारे पहले की मशीन में सेम प्रक्रिया थी, और इसी में भी सेम की सेम प्रक्रिया है, और इसमें कुछ नया नहीं है, ये पुरानी वाले की तरह मशीन है। इसमें हमारा आपको वीडियो बनाने का मकसद है कि ये स्टैंड का मतलब है हमारे कुछ खर्चा भी नहीं आएगा, ये लंबे टाइम तक और लॉन्ग टाइम पर हमारी ये मशीन साथ देगी। तो मैं आपको चारों तरफ घूम के ये स्टैंड दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो आपके सामने है। तो दोस्तों, आपके लिए मैं रोजाना ऐसे ही मज़ेदार और धमाकेदार बाइक मशीनरी के वीडियो भी लाता रहूँगा, बाइक मशीनरी का वीडियो भी लाता रहूँगा, और सभी प्रकार के बाइक के रिलेटेड इंजन वगैरह सभी का हम काम करते हैं। तो दोस्तों, हमारा खास काम यह है कि ये इस मशीन का होता है, तो दोस्तों ऐसा ही बार बार आएगा, और बाइक वॉश का भी काम आएगा। और तो दोस्तों, हम कहीं जाएंगे तो आपको वीडियो भी ज़रूर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, मेरा ऐसा कहना है कि बहुत टाइम से मेरा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, तो दोस्तों मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। कुछ काम हो गया था, इससे मेरा वीडियो नहीं आ पाया था।
तो दोस्तों ऐसे वीडियो आपके लिए मैं रोजाना लाता रहूंगा, ऐसे मेरे YouTube वीडियो को आप प्यार देते रहना और मैं आपको जल्दी अगले वीडियो में मिलूंगा। तो दोस्तों मेरा YouTube वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए दोस्तों इतना।